हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम। इसका मतलब है सूरीनेम देश के राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है रोनाल्ड वेनेतियान, दूसरा है देसी बुटरसे, तीसरा है चान संतोकी और आखिरी है जोहान क्राग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चान संतोकी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चान संतोकी की उम्र जो है वो है 61 साल और ये बेसिकली है इंडियन ओरिजिन फॉर्मर पुलिस चीफ और इन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा है 16 जुलाई को और ज्वाइन किया है 17 जुलाई को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट होममेड निमोनिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय डीसीजीआई। तो यहां पर आपको वैक्सीन का नाम बताना है जिसको अप्रूव किया है डीसीजीआई ने। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है वेरिसेला, दूसरा है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन या फिर एडिनो वायरस और लास्ट है मेनिंगोकोकल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि डीसीजीआई की फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। इसका मतलब है किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। किस राज्य की पुलिस ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर अभियान शुरू किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच डे इज नोन एज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, यानी कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में जाना जाता है। तो चार डेट आपके सामने है, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ट्यूनीशिया। तो यहां पर आपको इस कंट्री की करेंसी बतानी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ट्यूनिशियन दिनार, डॉलर, पाउंड या फिर फ्रैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्यूनिशियन दिनार। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वन ट्यूनिशियन दिनार का जो वैल्यू है इंडियन रुपीज में वो है 26 रुपए 55 पैसे। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेवन की। आईओसी पोस्टपोन्स 2022 डकर यूथ ओलंपिक्स टू। इसका मतलब है ये जो ओलंपिक होने वाले थे इनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि इनको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो किस वर्ष होने वाले हैं वो आपको यहां पर बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2025, 2026, 2027, 2028। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2026। तो यहां पर थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। ये जो ओलंपिक है ये बेसिकली होने वाले थे 2022 के अंदर, लेकिन अभी के लिए इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जो डकर है ये बेसिकली सेनेगल का कैपिटल है और सेनेगल का जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। हु हैज डेवलप्ड अ फुली इंडिजिनस P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर IL-76 एयरक्राफ्ट। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है HAL, दूसरा SpaceX, तीसरा DRDO और लास्ट है इसरो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, DRDO। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाउ मच विल द गवर्नमेंट इंक्रीज फॉर पब्लिक हेल्थ बाय 2025। इसका मतलब है सरकार द्वारा 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च बढ़ाया जाना है। तो यहां पर आपको बताना है GDP का कितना परसेंट बढ़ाया जाना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 2.5% ऑफ GDP या फिर 1.5% ऑफ GDP या फिर 2% और या फिर 3%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.5% ऑफ GDP।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. द इंडिया यूरोपियन यूनियन ईयू समिट 2020 वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट. इसका मतलब है भारतीय यूरोपीय संघ ईयू शिखर सम्मेलन 2020 वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था. तो यहां पर आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 10, 15, 20 या फिर 25. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 15. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.